हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जो एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नेम है यू कलर माई वर्ल्ड। सो स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नेम है गोई बाई, जो एक काफी टैलेंटेड पेंटर है। लेकिन पास्ट में उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गई, मतलब कि उसने अपनी आईज के कलर्स खो दिए हैं। उसे कुछ भी कलरफुल दिखाई नहीं देता है एंड सब कुछ ब्लर नजर आता है। और गाइस, जिसका पैशन पेंटिंग करना हो एंड उसके साथ ये प्रॉब्लम हो तो उस पर क्या बीतती होगी। well, वो अपनी पर्सनल डॉक्टर से अपनी इलनेस का डिस्कस करता है तो वो कहती है तुम्हारी इलनेस क्योर हो सकती है, एटलीस्ट तुम ब्लर कलर्स देख सकते हो, ये एक अच्छी बात है। तो गोई बाई कहता है क्या ये अच्छी बात है, मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, मेरा सामना हर रोज कलर से होता है, लेकिन मुझे कैसा फील होता है ये कोई समझ नहीं सकता। आगे हम देखते हैं, इधर एक पेंटिंग सेरेमनी रखी जाती है जहाँ सभी पेंटर्स एंड उनकी फेमस पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ एक पेंटर मिस्टर शू बताता है, जिसकी कंपनी होती है, कि मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड ये कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। तो जिसे सुनकर सब शॉक रह जाते हैं। तो इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड जिसका नेम है ह्यू नैन, वो कुछ अनाउंस करने स्टेज पे जाती है एंड कहती है मैं मिस्टर शू के वर्ड से एग्री हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा यंग टैलेंटेड पेंटर है जो यहाँ फ्यूचर में अपने टैलेंट को शो करेगा, मुझे लगता है हमें उसे यहाँ वर्क करने का चांस देना चाहिए। तो एक रिपोर्टर पूछती है कौन है वो पर्सन, तो ह्यूनैन कहती है वो एक आर्ट स्टूडेंट है, उसकी पेंटिंग काफी स्किलफुल है। तो मीडिया पूछती है कहीं वो पर्सन जी जी एन तो नहीं, तो ह्यूनैन कहती है जी जी एन भी एक बेस्ट पेंटिंग स्टूडेंट है, लेकिन मैं किसी और की बात कर रही हूँ। वेल, मैं आपको बता दूं, जी जी एन इस ड्रामा का सेकंड फीमेल लीड है, सॉरी मेल लीड है। तो मीडिया वाले कहते हैं तो कहाँ है वो टैलेंटेड पर्सन, क्या आप हमें उसका वर्क दिखा सकती हैं? क्या उसने कोई मेजर अवार्ड्स जीते हैं? तो वो कहती है हाँ, उसने 45th यूथ आर्टिस्ट कंटेस्टेंट में गोल्ड मेडल जीता था। सो गाइस, ह्यू नैन गोई बाई की बात कर रही होती है। इधर गोई बाई अपनी पेंटिंग भी ऑलमोस्ट फिनिश करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ एक लेडी सी में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही होती है, तो गोई बाई उसे बचाने चला जाता है। और तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जो कि गोई बाई का काम बिगाड़ देती है, मतलब कि वो भी उस लेडी को बचाने के लिए उसकी पेंटिंग लेकर सी में आ जाती है। तो वो लेडी तो बच जाती है, लेकिन जब गोई बाई की नजर अपनी पेंटिंग पे जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो हमारी फीमेल लीड, सॉरी मैं उसका नेम बताना तो भूल ही गई, वेल हमारी फीमेल लीड का नेम है यूएन, यूएन गोई बाई से कहती है सॉरी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं यही बोर्ड उठा के ले आई। तो गोई बाई कहता है क्या तुम जानती हो तुमने मेरा कितना नुकसान किया है, तो वो कहती है सॉरी मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगी, तो वो कहता है क्या तुम ये अफोर्ड कर सकती हो, तो वो हाथ जोड़कर उसे सॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता इसकी कीमत कितनी है लेकिन मैं ट्राई करूंगी। तो वो कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये ऑलमोस्ट पूरी होने ही वाली थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी पूरी पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर दी, क्या तुम जानती हो ये मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो यूएन कहती है मुझे नहीं पता ये तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन क्या किसी की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो रो रो कर कहता है एवरीथिंग इज ओवर एंड पेंटिंग वहीं फेंक कर चला जाता है। तो यूएन उस पेंटिंग को उठाकर कहती है क्या ये सच में इम्पोर्टेंट थी। इधर हम देखते हैं उस कंपनी की ओनर कहते हैं मिस्टर शू के बिना हमारी कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, इसे बैंकक्रप्ट ही होना होगा। तो ह्यूनैन कहती है एक मैन है जो इस कंपनी का फ्यूचर है एंड उसे गुई बाई के बारे में बताती है और उसकी पेंटिंग दिखाती है। आगे जी जी एन ह्यूनैन से कहता है कौन है वो पर्सन, तो वो कहती है तुम उसे नहीं जानते, लोग तुम्हें जानते हैं, तुम दुनिया की नजरों के सामने हो, तुम्हारी पेंटिंग भी काफी अच्छी है। तो जी जी एन कहता है क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो इस कंपनी के लिए, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उस पर्सन से बेटर हूँ। तो वो उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूएन उसकी पेंटिंग को ठीक करने की कोशिश करती है
तभी उसका ब्रदर आकर उससे कहता है, आज तुम वापस जा रही हो। तो कुछ किड्स यूएन के काफी क्लोज होते हैं जो उससे कहते हैं, सिस्टर क्या आप वापस जा रही हो? तो वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम लोगों से मिलने आया करूँगी। तो वो किड्स कहते हैं, अभी आपकी पेंटिंग फिक्स नहीं हुई है। तो उसका ब्रदर कहता है, तुम क्या पेंट कर रही हो? तो वो कहती है, ये किसी की है, मैं इसे फिक्स कर रही हूँ। आगे हम देखते हैं, गुई बाई वापस आकर देखता है तो उसकी वही पेंटिंग एंड एक मैसेज रखा होता है यूएन की तरफ से। हेलो लाइफ सेवर, इस आइलैंड पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसलिए तुम्हारी प्लेस मुझे इजीली मिल गई। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ तुम्हारी पेंटिंग के लिए। मुझे नहीं पता वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे समझ आ गया, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। मैं अच्छे से ड्रॉ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्लाउड सी एंड फ्लावर्स को देखकर फील कर सकती हूँ। मैंने इस पेंटिंग को अपने तरीके से फिक्स करने की कोशिश की, शायद इसे देखकर तुम्हारा मूड अब अच्छा हो जाए। तो जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखता है, उसे कलर्स दिखने लगते हैं एंड काफी खुश होने लगता है कि मैं कलर्स देख सकता हूँ। आगे वो उस गर्ल को ढूंढने निकल जाता है। उसकी होटल आकर उसे पता चलता है वो गर्ल जा चुकी है, वो अभी बस स्टॉप तक ही पहुंची होगी। तो वो फिर वहाँ भी आ जाता है उसे ढूंढने, लेकिन तभी उसके प्रोफेसर की कॉल आ जाती है जो कहते हैं, वेकेशन खत्म हो चुका है, तुम वापस कब आओगे? तो वो कहता है, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। वेल वो जा ही रहा होता है कि उसका वॉलेट वहीं गिर जाता है एंड उसे एक मैन वॉलेट के लिए आवाज देता है। उसी टाइम यूएन वहां आती है एंड फिर वो सीन देखने को मिलता है जो हमारे इंडियन टेलीविजन शोज में दिखाया जाता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के सामने ही होते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो अपना वॉलेट लेने जाता है एंड वो बस में बैठ जाती है, लेकिन जब उसकी नजर उस पर पड़ती है तो बस जाने लगती है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन बस कहाँ रुकने वाली थी। आगे वो ये सब अपने डॉक्टर से शेयर करता है तो वो कहती है, लगता है तुम्हारी इलनेस रिकवर हो रही है जिसका बार बार तुम्हें सिग्नल मिलेगा। तो वो पूछता है, कैसा सिग्नल? तो वो कहती है, तुम्हें उस गर्ल को दोबारा ढूंढना होगा, वही तुम्हारा लक चार्म है। तो आगे वो भी अपनी यूनिवर्सिटी वापस आ जाता है एंड यूएन के बारे में ही सोचता है कि मैं उसे जानता भी नहीं, वो मुझे दोबारा कैसे मिलेगी। कि तभी वहाँ यूएन भी आ जाती है। वेल, इन दोनों की यूनिवर्सिटी सेम ही होती है। इधर हम देखते हैं, डॉक्टर यूएन के ब्रदर से कहते हैं, यूएन की इलनेस अभी रिकवर हो गई है, लेकिन गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो, तुम्हें उसकी अच्छी केयर करनी होगी। सो गाइस, अब यूएन को क्या इलनेस है ये तो आगे ही पता चलेगा। वेल, यूएन को उसकी फ्रेंड शैनशैन मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं एंड हग कर लेती हैं। ये तभी हवा का एक झोंका आता है एंड उसकी हैट उड़कर चली जाती है जो गुई बाई के पास पहुँचती है। तो वो वापस लेने उसके पास आ रही होती है कि तभी वो उसे फिर देखता है एंड उसे कलर्स दिखने लगते हैं। तो वो उसके पास आकर कहती है, तुम यहाँ? एंड काफी क्यूट स्माइल करती है। वेल, वो पूछती है, क्या तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में हो? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शैन शैन उसे बुला लेती है एंड वो हैट लेकर वापस चली जाती है। तो गुई बाई उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। आगे उसे उसकी एक और फ्रेंड मिलती है जिसका नेम है शाओ चेंग एंड तीनों एक ही रूम में रहते हैं। आगे गुई बाई उसकी फोटो देख ही रहा होता है कि उसका फ्रेंड पूछता है, कौन है ये गर्ल, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तो गुई बाई कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं, वो फिर पेंटिंग कर रहा होता है लेकिन उसे कलर्स दिखाई नहीं दे रहे होते हैं कि तभी यूएन फिर वहां से गुजरती है एंड उसे देखते ही उसे कलर शो होने लगते हैं। एंड यही एपिसोड एंड होता है। सो गाइस, क्या आपको ये ड्रामा पसंद आया एंड क्या इसके आगे की एपिसोड्स मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए? टेल मी इन कमेंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर अहेड पार्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।